चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के जो हिंदी का भाग 1 किताब है उसके काव्य खंड के पहले चैप्टर के प्रश्न उत्तर को हल करने वाले हैं। इसके ठीक पिछले वाले वीडियो में करबक काव्य खंड के जो भाषा थे, जो कविता थे, उसका हिंदी रूपांतरण मैं करा चुका हूँ, समझा चुका हूँ बेसिक आधारों के आधार समझदारी के आधार पर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर्स का जो कविता था उसका मैं बहुत ही आसान और सिंपल भाषाओं के द्वारा हिंदी रूपांतरण करा चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के करबक चैप्टर के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। कवि कहते हैं, कवि ने अपनी एक आँख, क्योंकि लेखक जायसी के पास एक ही आँख है, तो कहते हैं कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों है। तो लेखक यानी कवि कहते हैं कि जिस प्रकार दर्पण निर्मल और स्वच्छ होता है, दर्पण का मतलब ऐनक, जिस प्रकार दर्पण मतलब जो ऐनक होता है, जो दर्पण होता है, निर्मल और स्वच्छ होता है, उसी प्रकार लेखक भी अपने एक आँख होने के कारण वो निर्मल और स्वच्छ भाव रखते हैं, मतलब निर्मल और स्वच्छ भाव रखते हैं, जिसके कारण से वो अपनी आँख की तुलना दर्पण से करना चाहते हैं। मतलब दर्पण में अपना जैसा प्रतिबिंब दिखाएंगे वैसा वो प्रतिबिंब दिखाता है, वैसे ही लेखक अपने एक आँख से जैसा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, जैसा अपने गुणों को बिखेरना चाहते हैं, वैसे ही अपने गुणों को बिखेर देते हैं, इसी कारण से वो अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से करते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो लिखिएगा, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है क्योंकि दर्पण में स्वच्छ और निर्मल प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, उसी प्रकार कवि एक आंख से अपने आप में निर्मल और स्वच्छ भावना देखते हैं, एक आंख से जो गुण उनमें देखनी चाहिए वो सारे गुण दिखाई देते हैं, इसी कारण से एक आंख की तुलना वो दर्पण से करते हैं। क्या लिखेंगे, लिखना यह है क्योंकि जो दर्पण होता है निर्मल और स्वच्छ प्रतिबिंब दिखाता है, निर्मल और स्वच्छ प्रतिबिंब दिखाता है, आप जैसा अपने आप को ले जाएंगे वैसा दर्पण प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक उसी प्रकार कभी भी अपने एक आंख से वो जैसा अपने आप को बिखेरना चाहते हैं वैसा एक आंख के माध्यम से वो बिखेर दिए हैं, इसी से एक आंख की तुलना दर्पण से, मतलब वो अपने एक आंख की तुलना दर्पण से करते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। जो पहले करबक आप पढ़े थे, करबक 2 था, करबक 1, करबक 2, तो पहले करबक में था कि उसमें कलंक आया था, कांच आया था, कंचन आया, से इससे क्या मतलब है। तो देखो, कलंक का मतलब कहते हैं कि जो चांद होता है उसमें भी कलंक पाया जाता है, उसमें भी कमी होता है, लेकिन फिर भी चांद अपने रोशनी से पूरे जगत को प्रकाशमान करता है, उजियारता है, अपनी रोशनी सबको देता है। उसी प्रकार इंसान में भी क्या होता है, दोष गुण पाए जाते हैं, लेकिन उसके गुणों के कारण वो सारे दोष क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे लेखक में दोष है, उनकी एक आंख नहीं है, एक ही आंख है, लेकिन उनके गुणों के कारण आज सब कोई उनको पढ़ते हैं, उनके चरणों में बैठकर कुछ ना कुछ सीखने के काम करते हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं कि कलंक और कांच और कंचन, इन तीनों का क्या मतलब है। तो लिखिएगा आंसर कि जिस प्रकार चांद में कलंक होता है फिर भी वो जगत को रोशनी देता है, उसी प्रकार यदि इंसान में गुण हो तो उस गुणों के कारण उसके सारे कलंक और दाग खत्म हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं, कांच की तुलना करते हैं, उसके बाद कंचन की तुलना करते हैं, तो कांच के बारे में ये कहते हैं कि जब तक सोने को घड़ा में नहीं गलाया जाएगा तब तक वो कच्चा धातु ही रहेगा, कांच ही रहेगा, वो सोना होने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार इसका मतलब ये हुआ है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जब तक संघर्ष नहीं करेगा, तपस्या नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तब तक वो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। तो कलंक का मतलब समझ गए कि चांद में भी कलंक होता है, लेकिन वो अपने गुणों के कारण सबको उजियारता है, उसी प्रकार मनुष्य भी दोष पाए जाते हैं, लेकिन गुणों के कारण उसके सारे दोष ढक जाते हैं। और जब तक सोना को घड़े में नहीं गलाया जाएगा तब तक वो कांच ही रहेगा, कच्चा धातु ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार जब तक मनुष्य मेहनत नहीं करेगा, संघर्ष नहीं करेगा, तब तक वो अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। आगे कंचन का मतलब क्या हो गया, कि जब भगवान शिव ने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को नष्ट किया तभी जाकर वो पर्वत सोने का बना। ठीक उसी प्रकार अच्छे और सज्जे मनुष्य के साथ रहने पर एक क्या होता है, सज्जन मनुष्य हम लोग बन जाते हैं, मतलब अच्छे संगत पकड़ेंगे तो क्या बनेंगे, अच्छा बनेंगे। कंचन का मतलब ये है कि जब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को नष्ट किए और तभी जाकर वो पर्वत सोने का बना। ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य का संगति अच्छा है तो अच्छा मनुष्य बनेगा।
ठीक है, तो इतनी बातें आपको लिखनी है। अब तीसरा क्वेश्चन है, पहले कर्मक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में देना है। जो पहले कर्मक पढ़े हैं उसमें लेखक के आत्मविश्वास की क्या करना है, मतलब लेखक आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में देना है। देखिए, लेखक का आत्मविश्वास क्या है कि मेरे पास एक आँख है, लेकिन फिर भी मैं अपने गुणों के कारण अपनी महानता को, अपनी कला को क्या कर दिया हूँ, बिखेर दिया हूँ। ध्यान दीजिएगा, तो पहले कर्मक में कहते हैं कि जिस प्रकार चांद में दाग है फिर भी वो अपने आप को उजियारे हुए हैं, उसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ ना कुछ दाग होते हैं, कमी होते हैं, और दाग होते हैं और कमी होते हैं, लेकिन वो अपने गुणों के कारण वो सारे दोष को खत्म कर लेता है, दाग को खत्म कर लेता है। वही कहते हैं कि मेरे पास क्या है एक आँख है, लेकिन मैं एक आँख के सारे कुछ ऐसी ऐसी कविताओं की रचना किया जो मेरे मर जाने के बाद भी वो निशानी के रूप में इस संसार में व्याप्त रहेगा। तो जायसी के आत्मविश्वास का परिचय आपको देना है। जायसी ये कहते हैं कि जिस प्रकार, लिखिएगा कि जायसी कहते हैं कि जिस प्रकार चांद में कलंक है, लेकिन फिर भी वो अपनी रोशनी से सबको उजियारता है। जिस प्रकार कांच को, भले सोने को, चलिए ध्यान दीजिए, कह रहे कि पहले कर्मक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास को समझाना है, ठीक है ना। फिर से हम लोग समझते हैं, लिखेगा जायसी कहते हैं, क्या लिखेगा, जायसी कहते हैं कि जिस प्रकार चांद में दाग है लेकिन फिर भी वो प्रकाशमान है, प्रकाश फैलाते रहता है, और कंचन को जब तक, कंचन का मतलब हो गया सोना, जब तक सोने को कांच में नहीं गलाया जाएगा तब तक वो कच्चा धातु ही रह जाएगा, और जब तक भगवान शिव ने सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किए थे तब तक वो कंचन का सोने का पर्वत नहीं बना। ठीक उसी प्रकार इसी आत्मविश्वास के बल पर कहते हैं कि मैं भी अपने गुणों के दम पर इस दुनिया में अपनी कला को, अपनी गुणों को बिखेर दूंगा, अपनी कीर्ति, अपनी यश को बिखेर दूंगा। मतलब इन तीनों के आधार पर वो अपने आत्मविश्वास का परिचय देते हैं कि जब चांद में दाग है फिर भी वो उजियारता है, वो रोशनी देता है, तो फिर मेरे पास एक आँख है, तो फिर मैं क्यों नहीं अपने गुणों को बिखेर सकता हूँ, लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, इतनी बातें लिखिएगा। आगे, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उनकी इस इच्छा का मर्म बताएं। तो कवि किस रूप में अपने आप को याद किए जाने की इच्छा रखते हैं, तो कवि कहते हैं कि मैं अपने आप को याद करने के लिए कुछ ऐसे कविताओं की रचना कर दिया हूँ जो मरने के बाद भी इस संसार में निशानी के रूप में व्याप्त रहेंगे। क्योंकि इंसान मर सकता है लेकिन उसकी कीर्ति, उसकी यश गाथा, उसका गुण कभी नहीं मर सकता। जैसे लेखक एग्जाम्पल देते हैं कि रतन सेन, सुगा, अलाउद्दीन सुल्ताना, पद्मावती रानी, राघव राज, ये सब मर गए लेकिन इस संसार में सिर्फ उनकी कहानी रही है। तो वही कहते हैं कि कवि किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो कवि स्वयं को कविता संग्रह के रूप में याद किए जाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि लेखक कुछ ऐसे कविताओं की रचना कर चुके हैं जो लेखक तो मर जाएंगे लेकिन उनकी कविताएं निशानी के रूप में आज समाज में मौजूद हैं। उनकी इच्छा का मर्म बताएं, उनकी इच्छा यही है कि इंसान मर सकता है लेकिन उनके यश गाथा, उनकी कीर्ति कभी नहीं मर सकती है। जैसे अलाउद्दीन मर गए, जैसे राघव राज मर गए, पद्मावती रानी मर गए, लेकिन उनकी आज कहानी क्या है, इस संसार में व्याप्त है, विद्यमान है। तो कहने का मतलब है कि इंसान मर सकता है लेकिन उसकी कीर्ति और उसका यश गाथा कभी नहीं मर सकता है। आगे, पांच नंबर में भाव स्पष्ट करना है। तो पांच नंबर में है कि जौ नहीं अंबही दाभ ना होई, तौ नहीं सुगंध बसाई ना सोई। कहते हैं इसका अर्थ यही होगा कि जब तक आम में दाभ नहीं आएगा, मंजर नहीं आएगा, तब तक वह सुगंध बरसाने वाला नहीं है। उसी प्रकार जब तक मनुष्य कुछ मेहनत नहीं करेगा, संघर्ष नहीं करेगा, कोनो तपस्या नहीं करेगा, तब तक वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। इसी कारण से लेखक बोलते हैं कि जौ नहीं अंबही दाभ ना होई, तौ नहीं सुगंध बसाई ना कोई। लेखक कहते हैं कि जब तक आम में मंजर नहीं आता है तब तक उस आम से सुगंध भी बरसता नहीं है। आगे, रकत कैलई का क्या अर्थ है, 6 नंबर क्वेश्चन है, रकत कैलई का क्या अर्थ है। तो लेखक कहते हैं कि मैंने एक एक कविता को जोड़ जोड़ कर लिखा है, और वो भी कैसे जोड़ा है, तो अपने रक्त का लेई बनाकर, अपने गाढ़े प्रेम के आंसू से सींच सींच कर मैंने कविताओं को क्या किया है, जोड़ा है। इसलिए जोड़ा है ताकि मेरे मरने के बाद भी इस संसार में यह निशानी के रूप में कविता विद्यमान रहे, ठीक है ना। तो रकत कैलई का क्या अर्थ है, तो लिखिएगा यहाँ पर जायसी कवि कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैंने जो भी कविताओं लिखा उसमें छोटा छोटा पंक्ति जोड़ा और उसको अपने खून के लेई से मैंने सींचा, अपने गाढ़े प्रेम के आंसू से सींचा, आंखों के आंसू से सींचा।
जिसके कारण से वो आने वाले समय में भविष्य में क्या हो रहे हैं, मेरे लिए कम से कम चिन्ह के रूप में, निशानी के रूप में विद्यमान रहे। मैं मर भी जाऊं तो यह जगत में विद्यमान रहे, ठीक है, यही अर्थ लिखिएगा। आगे देखिए 7 नंबर, मुहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा। यहाँ कभी ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? देखिए जोड़ी शब्द का मतलब जोड़ना हो गया। लेखक कहते हैं यहाँ पर कि जोड़ी का मतलब हो गया जोड़ना। मैंने छोटे छोटे पंक्तियों को जोड़ा है और अपने खून के लेई से उसको सींचा है, अपने गाढ़े प्रेम के आंखों के आंसू से मैंने उसको सींच सींच कर क्या किया है, जोड़ा है, ताकि वह समाज में मेरे निशानी के रूप में विद्यमान रहे। इतनी बातें लिखिएगा, बहुत है। आगे देखिए, दूसरे करबक का भाव सुंदर स्पष्ट कर, जो दूसरा आप करबक पढ़े थे उसका क्या करना है, आपको अर्थ लिख देना है। तो दूसरा करबक में लेखक क्या बताते हैं, एक बार जैसा दूसरा करबक देख लीजिए कि दूसरा करबक है क्या। देखिए जो आप दूसरा करबक पढ़े थे उसमें बताया क्या गया है, हाँ, तो दूसरे करबक में यह बताया गया है कि मोहम्मद जो है ना, मोहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर पावा। मतलब दूसरे करबक में वो बता रहे हैं कि मैंने एक एक कविताएं जोड़ जोड़ कर, एक एक पंक्ति जोड़ जोड़ कर, एक एक बातें जोड़ जोड़ कर कविताएं लिखी हैं, और जो भी इसको सुनते हैं वो प्रेम पीर का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि इस संसार में सब मर सकता है, मनुष्य से लेकर सब मर सकता है, लेकिन उसकी यश गाथा, उसकी कीर्ति कभी नहीं मर सकती। जैसे अलाउद्दीन राजा, उसके बाद रतन सेन, राघव राज, पद्मावती रानी, वो बुद्धिमान सुगा, ये सब मर गए, लेकिन आज इनकी कहानी क्या है, विद्यमान है। कहना है कि मतलब है वो सब के सब मर गए, पर रही जगत, रही कहानी, मतलब इस जगत में क्या रही, उनकी सिर्फ कहानी रही, ठीक है ना। तो वही है कि जो दूसरा करबक था उसका भाव लिखना है, यही लिखेंगे। कभी कहते हैं कि मैंने एक एक शब्द जोड़ जोड़ कर कविताओं की रचना किया है, अपनी खून की लेई से सींचा है, किसे, अपने खून की लेई से सींचा है। और साथ में ये भी बात बोलते हैं कि मैंने अपने गाढ़े प्रेम में, गाढ़ा प्रेम का मतलब एकदम सच्चा प्रेम, सच्चे प्रेम के आंखों के आंसू से मैंने इस कविता को सींच सींच कर लिखा है, ताकि यह आने वाले समय में विद्यमान रहे। क्योंकि लेखक कहते हैं, कभी कहते हैं कि मनुष्य मर सकता है, जैसे रतन सेन राजा मर गए, सुल्तान अलाउद्दीन मर गए, पद्मावती रानी मर गई, राघव राज मर गए, ये सब के सब मर गए, लेकिन आज संसार में इनकी कीर्ति, इनकी यश गाथा विद्यमान है, ठीक है। इतनी बातें लिखिएगा। आगे कहते हैं यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखिए, व्याख्या करना है। धनी सो पुरुष है, जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। कह रहे हैं कि धनी पुरुष वही है, धनी मनुष्य वही है जिसकी संसार में कीर्ति है, यश गाथा है, क्योंकि मनुष्य मर सकता है, लेकिन उसकी यश गाथा, उसकी कीर्ति कभी नहीं मरने वाली है। जिस प्रकार जो फूल होता है वो मुरझा सकता है, मर सकता है, लेकिन उसकी गंध कभी नहीं मरने वाली, सुगंध उसकी बास कभी नहीं मरने वाली। तो लिखिएगा, कभी मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि धनी मनुष्य, धनी पुरुष वही है जिसके संसार में कीर्ति है, यश गाथा है, क्योंकि मनुष्य मर सकता है लेकिन उसकी यश गाथा कभी नहीं मरने वाली है। जिस प्रकार फूल मर सकता है लेकिन उसका बास, उसका गंध, उसका सुगंध कभी नहीं मरने वाला, कभी मुरझाने वाला नहीं है। तो इस तरह से 9 क्वेश्चन आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो एक बार और मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। कभी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों किया, क्योंकि कभी कहते हैं कि दर्पण एक निर्मल और स्वच्छ प्रतिबिंब दिखाता है, उसी प्रकार मैं भी अपने आंख में अपना निर्मल और स्वच्छ प्रतिम देखता हूं, इसी कारण से अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से करते हैं। पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है, तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार चांद में कलंक है फिर भी वो अपने आप को उजियारता है, प्रकाश देता है, उसी प्रकार मनुष्य में भी कोई ना कोई कलंक होता है, दोष होता है, लेकिन मनुष्य अपने गुणों के कारण उस दोष को खत्म कर सकता है। आगे बोलते हैं, कांच जब तक सोने को घड़ा में नहीं गलाया जाएगा तब तक वो सोना कांच का धातु ही बना रह जाएगा, उसका कोई कीमत नहीं रहेगा। उसी प्रकार मनुष्य जब तक मेहनत नहीं करेगा, संघर्ष नहीं करेगा, तब तक लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। आगे कहते हैं कंचन के बारे में कि जब तक भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को नष्ट नहीं किए थे तब तक वो पर्वत सोने का नहीं बना। ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य अच्छे संगति पकड़ता है तो अच्छा आदमी बनेगा, ठीक है, यही मतलब होगा।
पहले कर्बक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में देना है। यही लिखना है कि जिस प्रकार चांद में कोई ना कोई दाग है फिर भी वो प्रकाश देता है, और जब तक घड़े में सोने को नहीं गलाया जाएगा तब तक वो सोना कच्चा है, कच्चा धातु ही बना रह जाएगा। जब तक सुमेरु पर्वत को भगवान त्रिशूल से नष्ट नहीं किए तब तक वो सोने का नहीं बना। ठीक उसी प्रकार लेखक कहते हैं कि सब में कुछ ना कुछ कमियां रही, फिर मेरे पास एक आंख है तो मैं एक आंख के बदले कुछ ना कुछ करना चाहता हूं। मतलब एक आंख को दर्पण के समान कहते हैं, मतलब यही कहते हैं कि चांद है, चांद में इतनी कमियां हैं फिर भी वो सलाह अपने रोशनी को पूरी दुनिया पूरी वर्ल्ड में निखारता है, तो फिर मेरे पास एक आंख है, मैं एक आंख से अपने गुणों को क्यों नहीं निखार सकता। तो वो चांद के द्वारा अपने अंदर विश्वास जगाते हैं, आत्मविश्वास जगाते हैं कि जब एक चांद में दाग है फिर भी वो रोशनी देता है तो मेरे पास एक आंख है, मैं एक आंख के बदौलत अपने आप को क्यों नहीं निखार सकता। तो इस तरह से लेखक में क्या करते हैं, आत्मविश्वास जगते हैं। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद किए जाने की इच्छा व्यक्त की है, उनकी इस इच्छा का मर्म क्या है, तो लिखेगा कवि ने स्वयं को कविताओं और मतलब कविताओं के संग्रह में याद किए जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। क्योंकि लेखक कहते हैं कि इंसान मर सकता है लेकिन उसका गुण उसका कला कभी नहीं मर सकता है। जैसे अलाउद्दीन राजा, सुल्तान, पद्मावती, राघव राज, स्वयं बुद्धिमान सुगा, ये सब मर गए लेकिन संसार में उनकी आज सिर्फ कहानी, यश गाथा और बुद्धिमता विद्यमान है। आगे भाव स्पष्ट करना है। जो लही अम्बही दाभ ना होई तय लही सुगंध बसाई ना सोई। कहते हैं कि जिस प्रकार मतलब जब तक आम में डाब नहीं आएगा, मंजर नहीं आएगा तब तक वो सुगंध बरसाने वाला नहीं है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जब तक मेहनत नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा तब तक वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी गीता में उपदेश दिया है कि तू कर्म कर, फल देने की चिंता मुझे करना है, एक न एक दिन फल जोर दूंगा। आगे सात नंबर है, छः नंबर है, रक्त कह ले का क्या अर्थ है। लेखक कहते हैं कि मैंने अपने कविताओं में मतलब जो है ना छोटे छोटे पद जोड़ जोड़ कर उसकी रचना किया है और उसको अपने रक्त की लय की तरह सींचा हूँ और अपने गाढ़े प्रेम से, आंखों के आंसू से मैंने उस कविताओं को सींच कर रचना किया हूँ ताकि मेरे मर जाने के बाद भी वह इस संसार में व्याप्त रहे, विद्यमान रहे। ये लिखना है। अगर मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुना हुआ, यहाँ जोड़ी शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे कवि जोड़ी शब्द का अर्थ जोड़ना बताते हैं। क्योंकि कवि ने अपनी कविताओं की रचना एक एक पद जोड़ जोड़ कर किए हैं और अपने खून की लय से उसको सींचे हैं, अपने खून के लय से क्या किए हैं उसको सींचे हैं और साथ में अपने गाढ़े प्रेम में अपने आंसुओं के जल से उसको सींच कर रचना किए हैं ताकि भविष्य में निशानी के रूप में वो संसार में मौजूद रहें। दूसरे कर्बक का भाव सौंदर्य लिखना, यही लिखना है। दूसरे कर्बक का भाव आपको लिखना यही है कि मोहम्मद कहते हैं कि मैं अपनी कविताओं की रचना एक एक पद जोड़ कर किया हूँ और जो भी सुनते हैं वो प्रेम पीर का अनुभव कहते हैं। कहते हैं कि इस संसार में सब कोई मर सकता है लेकिन उसका यश कीर्ति यश गाथा कभी नहीं मर सकता और उसको उसके यश गाथा को कोई खरीद भी नहीं सकता। जैसे अलाउद्दीन राजा, सुल्तान ये राघव राज, उसके बाद पद्मावती रानी, बुद्धिमान सुगा, ये सब मर गए लेकिन इनकी जो बुद्धिमता है, यश गाथा है, समाज में विद्यमान है। बस यही लिखना है। अब नौ नंबर है, व्याख्या करना। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे ना बासु। लेखक कहते हैं कि धनी पुरुष धनी मनुष्य वही है जिसके संसार में कीर्ति है, यश गाथा है। क्योंकि मनुष्य मर सकता है लेकिन उसकी यश गाथा, उसकी कीर्ति कभी नहीं मर सकती है। जिस प्रकार फूल मुरझा जाता है, मर जाता है लेकिन उसका गंध, उसका वास कभी नहीं मरता। तो इस तरह से आपका क्या होगा, पहले चैप्टर का प्रश्न उत्तर क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।